आज हम बात करें क्लेविकल फ्रैक्चर के बारे में। आप लोगों के कई कमेंट्स हैं कि सर मेरे को क्लेविकल फ्रैक्चर हुआ है, ये कितने दिन में जुड़ जाएगा, कि सर मेरे को क्लेविकल फ्रैक्चर मुझे जैसे 10 दिन के लिए बोला है या 15 दिन के लिए बोला है, अब मेरा जो प्लास्टर मुझे लगाया था जो कि फिगर 8 बैंडेज में होता है वो निकाल दिया गया है, अब मुझे क्या करना चाहिए। कुछ लोगों के ये कमेंट्स हैं कि सर हमारे वहाँ पर पेन स्वेलिंग अभी तक बनी हुई है, तो अब हम क्या करें। तो इस तरह के आप लोगों के कई कमेंट्स हैं, उन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। हेलो फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर अनिल मीणा, आई एम सीनियर ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट। फ्रेंड, अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और साथ ही बेल बटन भी जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको इस तरह की हेल्दी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि हमारी क्लिनिकल बेस होती है, ऑथेंटिक होती है और रिसर्चफुल हमारी वीडियो होती है जो कि आपको मिलती हुई रहेगी। फ्रेंड, शुरू करते हैं क्लेविकल फ्रैक्चर के बारे में, क्योंकि आप लोगों के जितने भी सवाल रहे, आपके कमेंट्स हैं, उन सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। क्लेविकल फ्रैक्चर को समझने से पहले हम बात करेंगे क्लेविकल हमारी बोन के बारे में, जिसे हम कोलर बोन भी बोलते हैं। फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है हमारा मॉडल, ये जो आप बोन देख रहे हैं ये है स्केपुला, जो कि हमारे पीछे की साइड पाई जाती है। उसके अलावा जो ये आप बोन देख रहे हैं ये है हमारी क्लेविकल, जिसे हमने बोला है कोलर बोन। फ्रेंड, जो हमारी कोलर बोन होती है ये, जैसे कि ये हमारा स्केपुला है, ठीक है, हालांकि ये इस तरह से इस वाले शोल्डर में हम देखेंगे तो ये हमारा पीछे का स्केपुला चला गया और क्लेविकल बोन आ गई। सो फ्रेंड, यहाँ पर बात करें, जैसे कि इस तरह से हमारी बोन है, यहाँ पर बात करें कि क्लेविकल बोन में एक जंक्शन होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा वीक होता है और सबसे ज़्यादा ब्रेक यानी टूटना या फ्रैक्चर होना भी वहीं पे पाया जाता है, जो कि हमारे मिडिल 2/3 और लेटरल 1/3, यानी लेटरल से तो 1/3 और मिडिल 2/3 पे एक वीक पॉइंट होता है जो कि ज़्यादातर फ्रैक्चर होता है। फ्रेंड, जो हमारा मिडिल एंड होता है, जो मिडिल एंड हमारी, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ हमारे पाई जाती है स्टर्नम, यानी गले के नीचे एक आपको हड्डी जो कि आपको पूरे चेस्ट को नीचे तक आपको पेट तक दिखाई देती है, उसे बोन को बोला जाता है स्टर्नम। स्टर्नम में जब आपके शुरुआत में आप देखेंगे तो साइड में एक नोच पाई जाती है जो कि इसका मिडिल एंड वहाँ पे अटैच होता है। और इसके लेटरल एंड की बात करें तो लेटरल एंड हमारा जो स्केपुला है, स्केपुला का एक्रोमियन, जिसे हम एक्रोमियन प्रोसेस भी बोलते हैं, उससे आगे अटैच होता है, जहाँ पर यह एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट अटैच करते हैं। और इसी तरह से हमारा स्टर्नो क्लेविकुलर लिगामेंट होते हैं वहाँ पे अटैच होते हैं। तो इस तरह से ये आपकी एक बोन स्ट्रक्चर बन जाती है। अब बात करें फ्रेंड, ये किस तरह से टूट जाते हैं, तो फ्रेंड यह किसी भी एज में टूट सकती है, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, चाहे जवान हो, किसी भी एज में इसका टूटना कॉमन सी बात हो जाती है। फ्रेंड, ज़्यादातर यह बोन का फ्रैक्चर होना पाया जाता है आपके शोल्डर के बल गिरने से। बहुत सी बार छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, बेड पर लेटे हुए रहते हैं, तो वहाँ से भी गिरने की वजह से उन बच्चों में क्लेविकल बोन के फ्रैक्चर हो जाते हैं। उसके अलावा फ्रेंड बात करें, जैसे कि आउट स्ट्रेच हैंड, यानी आपके हाथ के बल गिरने की वजह से भी ये बोन टूट जाती है। फ्रेंड, फ्रैक्चर होने के बाद में आपको वहाँ पे पेन भी बनता है, स्वेलिंग भी बन जाती है और ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं आपको ऊपर नीचे भी दिखाई देता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपका एक्सरे करवाते हैं और एक्सरे में आपका सब कुछ क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर फ्रैक्चर है। अब डॉक्टर आपको एक्सरे देखने के बाद में या तो आपको फिगर 8 बैंडेज के लिए सजेस्ट करते हैं। फिगर 8 बैंडेज, जो कि एक बैंडेज बनाई जाती है जो कि हमारे फिगर 8 यानी इस तरह से राउंड होते हुए, इस वाले से निकलते हुए, फिर यहाँ से निकलते हुए, इस तरह से फिगर 8 बैंडेज हमारी बनती है, जो कि ज़्यादातर ओपिनियन नॉन डिस्प्लेस, यानी अपनी हड्डी थोड़ी बहुत भी चलो हिली डुली है तो ज़्यादातर उसी को ओपिनियन में लिया जाता है। और फ्रेंड, ये आपके 10 से 14 दिन के लिए आपके फिगर 8 बैंडेज लगाया जाता है, जो कि आप बात करेंगे कि सर हमारी जो कोलर बोन है वो कितने दिन में जुड़ जाएगी, तो कहने का यहाँ से 10 से 14 दिन, तो मोटे मोटे तौर पर हम बात करें तो 2 से 3 वीक में आपकी बोन नॉर्मली हील हो जाती है। जब आपको फिगर 8 बैंडेज लगाया जाता है तो उसके साथ ही आपको पाउच आर्म, यानी इस तरह से एक पाउच आर्म रहता है, तो इस तरह से आपको हैंड को रखना पड़ता है ताकि आपका शोल्डर हिले नहीं और बोन का मूवमेंट भी रुका रहे, जिससे आपकी बोन जल्दी हील हो जाए। फ्रेंड, आजकल क्लेविकल ब्रास नाम से कई सारे रेडीमेड जो कि फिगर 8 बैंडेज में आते हैं, तो आजकल ज़्यादातर उनका यूज़ किया जाता है, जिनको डायरेक्ट पहना दिया जाता है और उनको इस तरह से बांधने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको डायरेक्ट पहना दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग आपको जितना भी वो टाइट लगता है या ढीला लगता है तो उस हिसाब से उसको एडजस्ट किया जा सकता है। फ्रेंड, ये तो था आपका नॉन डिस्प्लेस, यानी जब आपकी हड्डी अपनी जगह है या थोड़ी बहुत भी ऊपर नीचे हिली है तो उसमें आपको फिगर 8 बैंडेज का अप्लाई कर दिया।
अब बात करें फ्रेंड आपकी बोन अगर डिस्प्लेस हो जाती है, डिस्प्लेस यहाँ पर दो तरह से आपका डिस्प्लेस होगा, या तो आपको डायरेक्ट इंजरी यानी डायरेक्ट आपको ट्रॉमा होने की वजह से बोन का ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाता है, और उसके अलावा दूसरा कोर्स बनता है आपकी मसल पुलिंग, क्योंकि यहाँ पर जो मसल्स होती है उसकी पुलिंग होने की वजह से जो हमारा मिडिल फ्रेगमेंट रहता है वो ऊपर की ओर चला जाता है, और जो हमारा लेटरल पोर्शन होता है यानी लेटरल साइड रहती है वो हमारा जो पेक्टोरिस मेजर मसल होती है उसको नीचे की ओर पुल कर लेती है, जिसकी वजह से भी आपका यह डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। इन केसेस में ORIF यानी ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन यानी आपका ऑपरेशन किया जाता है, जो कि आपका बताए हुए टाइम में हील हो जाता है। अब फ्रेंड कई लोगों के सवाल रहते हैं कि सर हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। फ्रेंड तो इसमें आप शोल्डर एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ क्लेविकल एक्सरसाइज भी होती है जो कि क्लेविकल फ्रैक्चर के लिए विशेष में एक्सरसाइज, उन एक्सरसाइज को भी आप कर सकते हैं, तो वो भी आप एंड स्क्रीन में देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। फ्रेंड ये तो था हमारा क्लेविकल फ्रैक्चर के बारे में। फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे लाइक करें। अगर आप मुझसे 1-to-1 कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपॉइंटमेंट बुक करना होगा, जिसको आपको छोटी सी फीस पे करनी होगी। और फ्रेंड आप कॉल नहीं करें, ओनली व्हाट्सएप पे आपका अपॉइंटमेंट बुक होगा, जो कि हमारे असिस्टेंट के द्वारा उनको देखा जाता है, उनकी लिस्ट तैयार होती है, उससे के बाद में मुझे इन्फॉर्म किया जाता है। कुछ लोग डायरेक्ट कॉल करते हैं कि सर मुझे ये जानना, भाई मैं वहाँ पे अवेलेबल नहीं हूँ, हमारे वहाँ पे असिस्टेंट है जो कि आपका ओनली सिर्फ अपॉइंटमेंट वालों के लिए वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं। आप मुझसे क्वेश्चन करना चाहते, हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं हो पाता कि हम आप लोगों को डायरेक्ट सवालों के जवाब दे पाएँ, उसके लिए कम से कम आप छोटी सी फीस तो पे कर सकते हो, क्योंकि हम सुबह से लेकर शाम तक रात तक बिजी रहते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए हमने एक छोटी सी फीस रखी है, क्योंकि कई लोग कहीं ना कहीं परेशानी में रहते हैं। वो अपने सबसे अच्छा तो ये होता है कि आप अपने डॉक्टर पर विश्वास करें, लेकिन आप डॉक्टर पर विश्वास नहीं करके आप कहीं विश्वास करना चाहते हो। फ्रेंड वैसा कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, लेकिन आपको जैसे मैंने बताया कि एक उसका प्रोटोकॉल होता है, आप अपना व्हाट्सएप पे अपना अपॉइंटमेंट बुक करें, उसके बाद में एक लिस्ट तैयार होती है, हम उस लिस्ट को देखते हुए हमारे जो हमें समय मिलता है उन समय में हम आप लोगों के लिए सही जवाब देने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हमें जो आपको एडवाइस करनी है वो हम आपको एडवाइस कर सकते हैं, जो एक्सरसाइज हमें बतानी है वो एक्सरसाइज हम आपको बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।